तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये जो 2022 साल है ना, तो इसी 2022 साल जाने में बस एक या फिर दो दिन ही रह चुका है। तो इसी वजह से अभी एक न्यू अपडेट भी सामने आया है यामा के ही अपकमिंग पांचों बाइक्स का, जो कि 2023 साल में लॉन्च होने वाला है। और ये जो पांचों बाइक्स है ना, तो इसके अंदर एक है यामा के जो ये R3, और इसके ही साथ साथ यामा का MT-03, और इसके अलावा यामा का जो R2 वाला न्यू जो फुल फेयरिंग वाला रेसिंग एक मॉडल है तो वो भी, और इसके अलावा यामा का जो XS R155 वाला मॉडल है, और उसके अभी एक और भी है जिसके बारे में आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो भाई लोग, अभी 2022 साल तो जाने वाला है बहुत ही जल्दी, लेकिन भाई अभी ये 2022 साल जाने से पहले ही ना, अभी के डेट में एक न्यू लिस्ट सामने आ चुका है यामा के ही पांचों न्यू बाइक्स का, जो कि इसी इंडियन मार्केट में 2023 में लॉन्च होने वाले हैं। और ये जो न्यू पांचों बाइक्स है ना, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं यामा के ही XS R155 वाले मॉडल को। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख ही सकते होंगे, आपके सामने है यामा के ही XS R155 वाला मॉडल। और ये वाला जो मॉडल है ना, तो ये अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसी 2023 में लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। और वैसे ये वाला जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है इस वाले बाइक का सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। लेकिन भाई ये वाला जो बाइक है ना, तो इसका जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वाला पॉइंट है ना, तो वो है इसका इंजन। और ये वाला जो इंजन है ना, तो ये है यामा के ही R15 वाला इंजन। मतलब कि भाई ये वाला जो इंजन है, तो ये सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही। और ये जो इंजन है ना, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन है, जो कि लेकिन सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक में भी आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप ना, तो वो है इस वाले बाइक का हेडलाइट और टेल लाइट जो है, तो वो LED में। बाकी टायर इंडिकेटर सबको बल्ब्स के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हाँ भाई देखो, इस वाले मॉडल में भी जो आपको मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना, तो उसके भी अंदर जो ये यामा का जो वाई कनेक्ट या फिर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो फीचर्स है, तो यही कुछ देखने को मिलने वाला है ये पूरे तरीके से डिजिटल वाले मीटर कंसोल के अंदर। और इसके अलावा भाई इस वाले मीटर कंसोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी के अलावा भी ये जो ऑटोमीटर, टिप मीटर, फ्यूल गेज वगैरह जो भी है, तो ये सारा कुछ भी, मतलब बहुत सारा कुछ चीजें जो है, तो वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी अभी के डेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि और एक बाइक भी लॉन्च होने वाला है, जो कि है यामाहा का यामाहा YZF R3। और ये जो YZF R3 वाला मॉडल है ना, मतलब R3 वाला जो ये मॉडल है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सस्पेंशन सेटअप, तो ये भी है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके ही साथ जानते होंगे कि ये वाला जो बाइक है, तो ये एक फुल फेयरिंग वाला स्पोर्ट्स बाइक है, तो इसी वजह से इस वाले मॉडल के भी अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो इंजन ना, तो ये एक लिक्विड कूल वाला इंजन है। लेकिन ये जो इंजन है ना, तो ये एक 321cc का इंजन है, जो कि पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाला इंजन है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 42 BHP। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 29 Nm। और इसके अलावा आपको 6-speed का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अभी के रेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि जो इंडिया के अंदर मॉडल आएगा ना, तो उसके अंदर आपको असिस्टेंट स्लीपर कच वाला जो सिस्टम है, तो वो देखने को मिलने वाला है। बाकी तो भाई इस वाले मॉडल के भी अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, तो ये है कि इस वाले मॉडल का हेडलाइट और टेल लाइट जो है, तो वो LED में। बाकी टर्न इंडिकेटर्स जो है, तो वो आपको बल्ब्स के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा जो ब्रेकिंग सिस्टम, तो वो है इस वाले मॉडल का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS वाला ऑप्शन। और इसके ही साथ साथ इसके अंदर भी आपको, मतलब इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा कि पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल, जिसके अंदर एक्सपेक्ट अभी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि ये इंडिया वाले मॉडल में आपको यामा का जो वाई कनेक्ट या फिर जो कनेक्टिविटी वाला जो फीचर्स है यामा का, तो वो देखने को मिलेगा। मतलब ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी वाला जो फीचर्स है, तो वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी जो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह या फिर जो राइडिंग मोड्स वगैरह है, तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा इस वाले मीटर कंसोल में। और इसके ही साथ साथ ओडोमीटर, टिप मीटर, ये फ्यूल वगैरह जो भी है, तो ये तो देखने को मिलेगा ही। और हाँ भाई, इसके अलावा लॉन्च कंट्रोल जो है,
ना तो वो भी देखने को मिल सकता है इस वाले मीटर कंसोल के साथ, मतलब इस वाले बाइक के अंदर। और इसके अलावा और एक बाइक है जो कि अभी भाई इसी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और साथ ही साथ ग्लोबली भी लॉन्च होने वाला है। मतलब कि इसी न्यू वाले बाइक के लिए यामा कंपनी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से काम कर रहे हैं अभी। और ये वाला जो बाइक है ना तो ये है यामा का एक न्यू R2 वाला मॉडल। तो ये जो मॉडल है ना तो ये भी एक पूरे ही तरीके से एक फुल फेयरिंग वाला मॉडल होने वाला है जिसके अंदर आपको लिक्विड कूल वाला 200cc का इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन भाई अभी के रेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि ये जो 200cc वाला इंजन वाला ये जो मॉडल है तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला इंजन होने वाला है। और बाय द वे भाई इस वाले इंजन का जो पावर अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना तो वो है 24 से लेकर 26 BHP के अंदर अंदर। और इसके अलावा इस वाले मॉडल में भी आपको जो टॉर्क देखने को मिलेगा तो वो भी 20 Nm के अंदर अंदर का कुछ टॉर्क है तो वो देखने को मिलेगा, या फिर 22 Nm का जो टॉर्क है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी तो भाई 6-speed का जो गियर बॉक्स है तो वो आपको देखने को मिलेगा इस वाले इंजन के साथ। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में भी अगर यामा कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं करता है तो भाई इसी इंडिया वाला मॉडल के अंदर, मतलब ये R2 वाला जो मॉडल है तो ये इंडिया के अंदर जब आएगा तो इसके अंदर आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला जो सिस्टम है तो वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि एक जो सामने USD फोक्स है और पीछे जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अभी के रेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जाएगा कि ये न्यू R2 वाले मॉडल के भी अंदर भी देखने को मिलने वाला है जो ब्रेकिंग सिस्टम, तो वो है ये सामने के चक्के पर भी डिस्प्ले और पीछे के चक्के पर भी डिस्प्ले के साथ साथ डुअल चैनल ABS वाला ऑप्शन। और इसके ही साथ साथ भी इस वाले मॉडल के लिए अभी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि इस वाले मॉडल के भी अंदर आपको देखने को मिलेगा एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो यामा का जो कनेक्टिविटी वाला फीचर्स, मतलब कि ये जो ब्लूटूथ नेविगेशन वाला जो फीचर्स है तो यही, और इसके ही साथ साथ जो राइडिंग मोड्स वाला जो सीन है तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा। बाकी तो भाई इस वाले बाइक के भी अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा ना तो वो है इस वाले बाइक का हेडलाइट और टेल लाइट जो है तो वो LED में, और इसके अलावा टर्न इंडिकेटर सबको बल्ब्स के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी और एक बाइक का भी लॉन्च के बारे में कुछ न्यू बातें चल रहा है जो कि है यामाहा MT-03। तो ये जो न्यू यामाहा MT-03 वाला जो मॉडल है जैसे कि देख ही सकते होंगे आपके सामने ही है, तो ये वाला जो मॉडल है ना तो इसका ये लुक के साथ ये मॉडल वैसे भी काफी ज्यादा पॉपुलर है ही बाहर के देशों में या फिर ग्लोबली, मतलब जो भी कहना चाहते हो तो कह सकते हो। लेकिन है ये वाला मॉडल भी अभी इस इंडियन मार्केट में आने वाला है और इसके ही बारे में भी जो बातें चल रहा है ना तो वो है कि ये वाला मॉडल ये 2023 साल के अंदर अंदर आएगा। और इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजन तो ये एक 321cc वाला ही इंजन है जो कि एक पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाला इंजन है लिक्विड कूल वाला। और ये वाला इंजन भी आपको जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके देने वाला है ना तो वो भी 42 BHP, और ये वाला इंजन भी आपको जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा आपको तो वो है ये 29 Nm। और इसके ही साथ साथ 6-speed का जो गियर बॉक्स है ना तो वो भी इसी इंजन के साथ आपको देखने को मिलेगा। और अभी के रेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि असिस्ट एंड स्लीपर क्लच वाला जो सिस्टम है तो ये भी आपको देखने को मिलेगा इस वाले इंजन के साथ। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा इस वाले मॉडल का जो सस्पेंशन सेटअप है तो वो है सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। बाकी तो भाई इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा जो ब्रेकिंग सिस्टम ना तो वो है इस वाले मॉडल का सामने के चक्के पर भी डिस्प्ले और पीछे के चक्के पर भी डिस्प्ले विद डुअल चैनल ABS वाला ऑप्शन। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा लाइट्स के सेटअप में इस वाले बाइक का जो ये DRL है ना तो वो भी LED में, और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का जो ये प्रोजेक्टर लाइट है तो ये भी LED में, और इसके अलावा इस वाले बाइक का जो टेल लाइट है तो ये भी LED में। बाकी जो टर्न इंडिकेटर है ना तो वो ही सिर्फ बल्ब्स के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इसके अलावा ये जो मीटर कंसोल है इसी बाइक के अंदर तो ये भी एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला ही देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको ये यामा का जो कनेक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है, मतलब कि ब्लूटूथ नेविगेशन, ये जो फीचर्स है ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा भाई। इसके ही साथ साथ इसके अंदर आपको ये जो ओडोमीटर, टिप मीटर, फ्यूल गेज वगैरह जो भी है और टाइम वगैरह जो भी है तो ये भी सारा कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ अभी के रेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि इसके ही अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा ये लॉन्च कंट्रोल, और उसके ही साथ साथ ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो सीन है तो यही सारा कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा जो ब्रेकिंग सिस्टम तो वो है इस वाले मॉडल का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS वाला ऑप्शन। और इसके अलावा और एक मॉडल भी लॉन्च होने वाला है जो कि है यामा के ही यामाहा FZS या फिर FZ version 4। तो ये जो मॉडल है ना तो इसको ब्राजील के अंदर या फिर बाहर के देशों में ही लॉन्च किया गया था आज से कुछ ही दिनों पहले ही। और ये जो बाइक है ना तो ये अभी इसी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है 2023 में, मतलब ऐसा ही कुछ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये वाला जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन 150cc का जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 BHP। ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 12.4 Nm। और इसके ही साथ साथ आपको 5th speed का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। बाकी भाई इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सस्पेंशन
सस्पेंशन जो सेट अपना तो वो है इस वाले बाइक का सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का भी जो हेडलाइट वाला जो पोर्शन है ना, तो ये पूरा का पूरा आपको एलईडी में देखने को मिलेगा। और टेल लाइट भी जो है तो वो भी आपको एलईडी में देखने को मिलेगा। बाकी जो टर्न इंडिकेटर्स है तो वो आपको बाल्ब्स के अंदर अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक में भी आपको देखने को मिलने वाला है जो ब्रेकिंग सिस्टम, तो वो है इस वाले बाइक का डिस्क ब्रेक के साथ साथ सिंगल चैनल एबीएस वाला सपोर्ट। इसके भी अलावा आपको इस वाले बाइक में देखने को मिलने वाला है जो मीटर कंसोल ना, तो ये भी एक न्यू स्टाइल वाला एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये गियर नंबर चेंज वाला जो सीन है तो यही कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ये टॉप स्पीड वगैरह जो भी है तो यही कुछ देखने को मिलेगा। तो यही है भाई कुल मिला के पांचों बाइक्स जो कि अभी इसी इंडियन मार्केट में 2023 में लॉन्च होने वाला है, ऐसा ही अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।